तो ये जो दीन है ये बीच का रास्ता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बस अब दीन पे चलना है तो सब कुछ छोड़ दो, राहिब बन जाओ, तो वो भी मना है दीन के अंदर, सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है। और ऐसा भी नहीं कि फिर पूरा इसको ही छोड़ दो और दुनिया में ही लग जाओ कि चलो रहने दो दुनिया के अंदर, तो वो भी नहीं है। दुनिया में रहकर आखिरत को सुधारना ये दीन है, इसके बीच का रास्ता है। इसके अंदर कि दीन पर भी चलें, जो इबादत है, जो फ़राइज़ अल्लाह ने रखे, जो हम पर रखा है कि जो इतनी सलाहियत रखता है कि दीन को पहुंचाने का काम, तो वो भी वो उसको करना है। और उसके अलावा उसकी दुनिया भी उसको चलाना है, उसके रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, पड़ोसी के हक, मुसलमानों के हक, जानवरों के हक, माशरे के हक, ये तमाम की तमाम चीज़ों जो उसके ऊपर है, जो माशरे में रहने के, दुनिया के रहने के लिए ज़रूरी है, वो सबको पूरा करते हुए उसको दीन पर चलना है। और वो सहाबा ने करके बताया, ऐसा नहीं कि करके नहीं बताया, क्योंकि एक ये चीज़ होती है कि कई लोग पिछले कई मजाहिब के अंदर होता है, उनकी बातें बड़ी अच्छी अच्छी लिखी होती हैं उनकी किताबों के अंदर, लेकिन कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई जो बातें लिखी होती है, क्योंकि उनके पास में नमूना मौजूद नहीं होता कि देखो ये लिखा हुआ तो इन्होंने चल के बताया, तो इसलिए वो खुद उनको छोड़ देते कि रहने दो ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी जो इबादतें, उनकी जो तपस्या बताई गई, इतनी कठिन बताई गई, अब आज कोई इस पर करता ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि ये तो फिर आज इसके आज जो है इस मामले, इस धर्म को आज पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे लिए नमूना मौजूद है कि जो जो बताया गया पूरे कुरान पर अल्लाह के रसूल सल्लम ने अमल करके बताया कि इसे इस पर अमल होता है। और ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में सिर्फ यही था, अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में, लोगों के पास में तो एक एक बीवियाँ, उनके पास में उससे ज़्यादा बीवियाँ थी, और सबके हुकूक अदा किए, बच्चों के हुकूक अदा किए, सहाबा के हक उन्होंने अदा किए, पड़ोसियों के हक अदा किए, और वो बताएं कि पड़ोसी के हक क्या क्या हैं, मुसलमानों के हक अदा किए, बताएं कि मुसलमानों के हक क्या हैं, गैर मुस्लिमों को हकूक अदा किए और बताएं कि उनके हक क्या हैं, जानवर के साथ क्या मामला करना वो भी बताया, समाज के साथ क्या मामला करना वो भी बताया, जंग के अंदर क्या उसूल है, वहाँ क्या तुमको लवाजिमात रखनी है वो भी हमको बताया। तो हर चीज़ के अंदर हमको गाइड किया, रहनुमाई की, आलिम है तो क्या करेगा, जाहिल है तो क्या करेगा, मतलब तमाम के तमाम शोबे, ऐसा कोई शोबा अल्लाह के रसूल सल्लम ने नहीं छोड़ा जिसकी गाइड हमको नहीं किया, हमको नहीं बताया। तो ये पूरा प्रैक्टिकल दीन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फ़लसफ़ा है, जो उसके अंदर फ़लसफ़ी बातें बड़ी अच्छी तो लगती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता, तो ये प्रैक्टिकल है, इस पर अमल किया जा सकता है, बल्कि करके बताया है। इसका जो है मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लम खुद है पहले, तो उसके बाद में उनके सहाबा हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर इस पर अमल करके बताएं, और उनके पास में बिजनेस भी होते थे, काम भी होते थे और इबादतें भी होती थी, उनके पास माशरे के अंदर, यहाँ तक कि बड़े बड़े कोई गवर्नर भी हुआ करते थे, सिपे सालार भी हुआ करते थे, और उसके बाद भी काम किया करते थे और इबादत भी किया करते थे, बीवी बच्चों को भी पाला करते थे, और रिश्तेदारों के हक भी दिया करते थे, आना जाना सब कुछ किया करते थे, और दीन पर भी मुकम्मल थे, जिनके ताल्लुक से खुद अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। तो जब वो कर सकते हैं इतना कुछ, वो अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, तो फिर ये प्रैक्टिकल दीन है, ऐसा नहीं कि इस पर अमल नहीं किया जा सकता, तो ये अमल इस पर किया जा सकता है। तो इसको इतना मुश्किल, ये बीच का रास्ता है कि हमको बीच के रास्ते पर चलना है, पूरा भी यही नहीं कि पूरा ही दीन में घुस गया, या फिर वो दुनिया से जो छोड़ के चला गया, रावगीब बन गया, जंगल में जाके रह रहा है, भटक रहा है, क्योंकि दूसरे मजाहिब में ऐसा ही होता है कि जब वो दीन पर चलना चाहते हैं तो सारी दुनिया को छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों तक को छोड़ देते हैं, और फिर वो चले जाते हैं जंगलों के अंदर। तो हमारे इसलिए नहीं पता, हमको ये है कि इस पर यहाँ दुनिया में रहकर इस पे चलना है, ये जो है सहाबा का और अल्लाह के रसूल का तरीका है, तो बीच का रास्ता है।